आज मैं बनाऊंगी डिजाइनर और नमक पारा। ये बनाने में बहुत आसान है और खाने में भी बहुत क्रिस्पी। नमस्कार, भूमिज किचन एंड लाइफस्टाइल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपने अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा के ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, लाइक शेयर ज़रूर करें। तो चलिए देखते हैं इसको बनाने का तरीका। तो यहाँ पर मैंने 2 कप मैदा लिया है और लगभग 2 से 3 चम्मच सनफ्लावर या सोयाबीन ऑयल ले सकते हैं। इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच नमक। इन सभी को अच्छे से तेल को अच्छे से मिक्स कर देना है मैदे के साथ। इसमें हम डालेंगे अजवाइन 1 छोटा चम्मच। ये देखिए, तेल के साथ नमक अजवाइन सभी को एक साथ मिक्स कर लेना है, जैसे कि आपके हाथों में मुट्ठी बन जाए इतना ही आपको मिक्स करना है। इसके बाद हम इसमें धीरे धीरे करते हुए पानी डालेंगे और पानी डाल के इसका एक डो बनाएंगे, बहुत ज़्यादा हार्ड या फिर बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं। तो इस तरीके से एक डो बनाना है। उसके बाद थोड़ा सा तेल लगा के 10 मिनट के लिए रख दें अलग से। अभी 10 मिनट के बाद इस तरीके से गोल गोल मैंने नींबू के साइज का बॉल बना लिया है। अभी एक पूरी जैसा इसका रोटी बनाएंगे छोटा छोटा। उसके बाद आप जितना बड़ा साइज में बनाना चाहते हैं उसी साइज का आप बनाइए। उसके बाद एक कटोरी या फिर टिफिन बॉक्स लेके इसको ऐसे काट दीजिए, ताकि ये पूरी तरह से अच्छे से शेप मिल जाएगा हमें, तो एकदम गोल शेप मिल जाएगा। इसी तरह से बाकी जितना भी है सभी को मैंने ऐसे कर लिया है। अभी हम इसको बीच में से इस तरीके से काटेंगे। देखिए, हाफ जो है आधा हिस्सा को इसी तरीके से हम डिजाइन बनाएंगे। अभी एक तरफ से डिजाइन बन गया है। अभी एक तरफ से जो है थोड़ा सा आटा लगा देंगे ऊपर से, ताकि एक दूसरे से चिपके ना। उसके बाद इसको हम आधा ऐसे फोल्ड कर देंगे और किनारे से थोड़ा थोड़ा पानी लगा देंगे और इन दोनों किनारे को ऐसे चिपका देंगे और अंदर से भी थोड़ा सा चिपका देंगे। तो इसी तरीके से बाकी जितना भी है सभी नमक पारे इस तरीके से बना लीजिए। अभी तेल गर्म होने के बाद इसको एक एक करके तल लीजिए। तो देखिए, आप इसको कोई भी त्यौहार, होली, दिवाली या फिर किसी भी त्यौहार में इसको बना सकते हैं बहुत आसानी से। ये बहुत सुंदर लगता है देखने के लिए और खाने के लिए भी एकदम क्रिस्पी। या फिर आप शाम के लिए स्नैक्स में खाने के लिए भी बना सकते हैं। तो इसको मीडियम फ्लेम में क्रिस्पी होने तक या फिर गोल्डन ब्राउन होने तक इसको तल लीजिए। देखिए, ऐसे थोड़ा सा कलर चेंज हो जाएगा। इसके बाद निकाल लीजिए इसको और ज़्यादा मात्रा में इसको बना करके आप इसको स्टोर करके रख सकते हैं और इवनिंग स्नैक्स में भी खा सकते हैं। दूसरा रेसिपी वगैरह देखने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं और लाइक शेयर ज़रूर करें, सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएँ। थैंक यू।